Hello everyone. Today we will discuss about group protochordata of phylum Chordata. There are two subphylums, Urochordata and Cephalochordata. Urochordata, the first character is body degenerated, sac-like and unsegmented. Whereas in Cephalochordata, body is fish-like with trunk and tail. So the second character of Urochordata is body covered with a test composed of tunicin, जो इनका बाह्य चोल या आवरण होता है यूरोकॉर्डेटा का, वो ट्यूनिसिन का बना होता है, इसलिए इनको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं. और इसका केमिकल कंपोजिशन सेल्युलोज के समान होता है, जिसमें C6H10O5 की कई सारी यूनिट्स मिलकर ट्यूनिसिन नामक पॉलीमर बनाती है. देन इन Cephalochordata, एग्जोस्केलेटन इज एब्सेंट एंड एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड. इन Urochordata, नेक्स्ट कैरेक्टर इज दैट नोटोकॉर्ड एंड नरकॉर्ड ओनली प्रेजेंट इन लार्वर टेल, हैज द नेम Urochordata. Uro means tail. So notochord and narrowcord present in larval tail. Then in Cephalochordata, notochord and narrowcord present throughout the life along entire length of the body. पूरे शरीर में, सिर से लेकर पूंछ तक, और पूरे जीवन काल में notochord और narrowcord पाई जाती है. Then in Urochordata, respiration through test and gill slits. And in Cephalochordata, respiration is through general surface. Next, blood vascular system that is in Urochordata open with simple and ventral heart. So the position of heart is ventral, heart other satah par paya jata hai. And flow of blood is periodically reversed, and special venadocytes, that is green blood cells in blood, extract vanadium from sea water. So yahan par jo flow of blood hota hai wo bar bar periodically reversed hota hai. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लड फ्लो नहीं होता है, हार्ट की पोजीशन वेंट्रल होती है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ओपन होता है. ये Urochordata की बात करते हैं, ये सब Urochordata के बारे में. जबकि Cephalochordata में ब्लड वैस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड होगा, विदाउट हार्ट होगा एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होगा. सो दिस इज एन यूनिक एनिमल विद एब्सेंस ऑफ हार्ट इन Chordata. Chordata में ये ऐसा एनिमल है जिसमें हार्ट एब्सेंट होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है. देन नेक्स्ट इन Urochordata, एक्सक्रीशन बाय न्यूरल ग्लैंड और पाइलोरी ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट्स, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड इन Cephalochordata, एक्सक्रीशन बाय प्रोटोनेफ्रिडिया विद सोलेनोसाइट्स. देन इन Urochordata, मोस्टली एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट, that is also known as monoecious and bisexual. Bisexual means both sexes in a single organism, और इसको हम monoecious भी कहते हैं, क्योंकि एक ही individual के अंदर दोनों sex होते हैं. दो sex होने की वजह से bisexual कहा जा रहा है, और एक ही individual होने की वजह से monoecious कहा जाता है, जिसको हम hermaphrodite भी कहते हैं. जबकि Cephalochordata में unisexual होंगे ऑर्गेनिज्म, या इनको डायोशियस कहते हैं बिकॉज इनमें सेक्सेस आर सेपरेट,
इन टू इंडिविजुअल्स. सो बोथ इंडिविजुअल्स आर सेपरेट, सो दे आर नॉन एज यूनिसेक्सुअल और डायोशियस, मीन्स सेपरेट इंडिविजुअल विद सेपरेट सेक्स, मेल एंड फीमेल. देन एसिडियन लार्वा इज अ फ्री स्विमिंग लार्वा विद बेसिक कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स. तो यहाँ पर जो एसिडियन लार्वा होता है, जिसको हम एसिडियन टैडपोल लार्वा भी बोलते हैं, वो फ्री स्विमिंग होता है, उसमें बेसिक कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स होते हैं, और ये रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है, क्योंकि ये एडल्ट से ज़्यादा एडवांस है, इसमें बेसिक कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स होते हैं और ये फ्री स्विमिंग होता है. जबकि जो एडल्ट जो हम बात करते हैं वो सेडेंट्री होता है, एक ही स्थान पर रहता है, मूवेबल नहीं होता है, और दूसरा उसमें बेसिक कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स भी नहीं होते हैं. तो एडवांस लार्वा की वजह से यहाँ पर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो होगा. जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में फ्री स्विमिंग लार्वा ही होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगा, दैट इज एडल्ट इज मोर एडवांस देन लार्वा. आगे हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो हार्डमानिया यहाँ पर आएगा, यूरोकॉर्डेट्स में एग्जांपल, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में हम पढ़ते हैं एम्फियोक्सिस के बारे में. लेट अस रिकॉल द डिफरेंसेस अगेन बिटवीन यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा. फर्स्ट पॉइंट इज एडल्ट, जो कि यूरोकॉर्डेटा में सेडेंट्री होते हैं, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में फ्री स्विमिंग होते हैं. दूसरा, सेगमेंटेशन यूरोकॉर्डेटा में एबसेंट होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है. नोटोकॉर्ड वयस्क में अनुपस्थित होती है यूरोकॉर्डेटा में, जैसे हमने कहा सिर्फ लार्वा में पाई जाती है, लार्वल टैल में होती, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है. तंत्रिका रज्जु नर्व कॉर्ड एबसेंट इन एडल्ट, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन ओनली लार्वल टैल, एंड प्रेजेंट इन सेफेलोकॉर्डेटा. देन सिलोम दैट इज एबसेंट हियर इन यूकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड प्रेजेंट इन सेफेलोकॉर्डेटा. टेस्ट अगेन ट्यूनिसिन का बना होता है, ये यूरोकॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में एबसेंट होता है. लीवर प्रेजेंट होता है यूरोकॉर्डेटा में, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में मिडगड्डा वर्टिकुलम पाया जाता है. हार्ट इज प्रेजेंट इन यूरोकॉर्डेट, वायर एज इट इज एबसेंट इन सेफेलोकॉर्डेटा. दिस इज यूनिक कैरेक्टर इन कॉर्डेट्स, वेयर हार्ट इज एबसेंट इन सेफेलोकॉर्डेटा. नेफ्रिडिया इज एबसेंट इन यूरोकॉर्डेटा बट प्रेजेंट इन सेफेलोकॉर्डेटा. देन सेक्सेस इन यूरोकॉर्डेटा, बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन अ सिंगल बॉडी, सो दे आर बाइसेक्सुअल. एंड इन सेफेलोकॉर्डेटा बोथ सेक्सेस आर सेपरेट, दैट इज मेल एंड फीमेल. मेटामॉर्फोसिस दैट इज इम्पॉर्टेंट. लास्ट पॉइंट, रिट्रोग्रेसिव इन यूरोकॉर्डेटा बिकॉज लार्वा इज मोर एडवांस देन एडल्ट, एंड प्रोग्रेसिव इन सेफेलोकॉर्डेटा बिकॉज एडल्ट इज मोर एडवांस देन लार्वा. थैंक यू वेरी मच.